An Academy. Let's crack it. तो प्रिंस तोमर जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर, माय नेम इज प्रिंस तोमर। आई वाज बोर्न इन बड़ोद डिस्ट्रिक्ट बागपत, फ्रॉम वेयर आई हैव कंप्लीटेड माय हाई स्कूलिंग एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस मेरठ। एंड सर, माय इंटरेस्ट इंक्लूड सिंगिंग। आपका एलएलबी किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? सर, माय लास्ट ईयर सर 2022 में कंप्लीट हुआ है। आपने बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया है? यस सर। ठीक है, क्या एनरोलमेंट नंबर है आपका? सर, माय एनरोलमेंट नंबर इज 1087 आई थिंक। सर, मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। आपका इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में है या सिविल लॉ में? सर, क्रिमिनल लॉ। सर, क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है, तो आपसे सिविल लॉ के क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां यूनियन गवर्नमेंट स्टेट मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकती है। सर, इमरजेंसी में और सर नेशनल इंटरेस्ट में। सर, 250 इमरजेंसी का बताते हैं सर, वहाँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सारे मैटर्स में सर कानून बना सकती है। और सर, नेशनल इंटरेस्ट में अगर दो से ज्यादा सर स्टेट बताते हैं सर, मतलब कंसेंट शो करते हैं, देन सर वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। सर, आप बताइए, किसी भी इंजंक्शन का ब्रीच हुआ है, yes, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है? सर, सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकता है सर। सर, ऑर्डर 39 रूल 2A सर, वो ब्रीच के बारे में बताता है सर। वो सिंपल इंप्रिजनमेंट है सर, अटैचमेंट है सर, फाइन है, फाइन इंप्रिजनमेंट 30 डेज के लिए सर। आप श्योर 30 डेज के लिए? यस सर। कि 3 मंथ से? सर, 30 डेज आई थिंक। चलिए, अटैचमेंट कितने टाइम के लिए? सर, अटैचमेंट की लिमिट मुझे याद नहीं है सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आप बताइए, जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है तो उस केस में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? सर, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट अगर परमिट करता है देन सर। कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए? सर, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बताइए, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या डिफरेंस है? सर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सर 2 पर्सन एग्रीज सर, वहां प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है सर, मतलब पर्सन 2 or more persons एग्रीज होते हैं सर किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए और ओमिशन के लिए सर, जबकि अबेटमेंट में 1 person होते सर। क्या वो क्रिमिनल एक्ट ही हो? सर, क्रिमिनल एक्ट नो। यस सर, क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है। क्या अबेटमेंट का बताइए? सर, अबेटमेंट में 1 person या तो इंस्टिगेट करता है सर, या फिर असिस्ट करता है, एड करता है सर, इस तरह से किसी को उकसाना है, जिस मतलब ऑफेंस करने के लिए सर।
ठीक है, आप ऐसे कोई चार सर्कमस्टेंस बताइए जबकि कोई व्यक्ति जो मर चुका है या जिसको ढूंढा नहीं जा सकता है उसके स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे। सर सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट इसके बारे में बताता है सर, अगर कोई व्यक्ति मर चुका है सर। सॉरी सर मैं एकदम एग्जैक्टली, आप सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स बता सकते हैं सीपीसी में? यस सर, सर सेक्शन 94 बताता है सर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में सर, कि कोर्ट इम्प्रिजनमेंट के थ्रू अटैचमेंट और इंजंक्शन सर, और एक चीज एक एक प्रोविजन और सर, ये इस तरह की प्रोसीडिंग्स के थ्रू इंजस्टिस कर सकते हैं। इंजंक्शन का रेलेवेंट ऑर्डर क्या है? 39 सर, ऑर्डर 39। क्या ग्राउंड्स है जिसमें इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है? सर अगर डिफेंडेंट थ्रेटन करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा, वेस्टेज कर देगा, या फिर अदर और कोई रिमूव कर देगा अपनी प्रॉपर्टी, तो इस तरह की कंडीशन में इंजंक्शन प्रोवाइड करा जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन मान लीजिए राइटिंग में है, तो उस राइटिंग कैसे प्रूफ करेंगे? सॉरी सर, कोई बात नहीं। अशोक सर प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, आप ये बताइए कंपनसेशन पर सुप्रीम कोर्ट के दो लैंडमार्क डिसीजन कौन से हैं विक्टिम कंपनसेशन पर? सर फर्स्ट वन इज रुदुल शाह, रुदुल शाह का केस सर, और सर सेकंड वन इज नील भट्टी बेहरा सर, एक दो केसेस हैं सर। सर आई थिंक ये कस्टोडियल डेथ है सर, उसमें कंपनसेशन मिली थी। ओके, आप ये बताइए 457 आईपीसी के अंदर दो प्रकार की परिस्थितियों में दो प्रकार के पनिशमेंट दिए हुए हैं, वो क्या बता सकते हैं आप? कौन कौन सी परिस्थितियों में कितनी कितनी सजा दी हुई है? 457 सर। हाँ 457 आईपीसी के अंदर। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक लोअर कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने धारा 406 और 420 में ट्रायल करके और दोनों धाराओं के अंदर एक अभियुक्त को 6 माह का कारावास और 200 रुपए के जुर्माने से दंडादेश किया। आपको इस जजमेंट में अपेरेंटली क्या कमी नजर आ रही है? लोअर कोर्ट ने अब जो फर्स्ट जो जेएम कोर्ट है, जेएम कोर्ट ने ट्रायल करके धारा 406 और 420 आईपीसी में दोनों धाराओं में 6 माह का कारावास और 200 रुपए जुर्माने से दंडादिष्ट किया। अपेरेंटली आपको इस जजमेंट में क्या कमी नजर आ रही है? इसमें आपको ध्यान हो तो उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस हुआ था, है ना, वो बड़ा नेशनल इंपोर्टेंस का मैटर हुआ था, आपने सुना है कन्हैया लाल मर्डर केस, सर तन से जुदा करने वाला मामला सर? क्या मैंने सुना नहीं सर, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कन्हैया लाल का नाम सुना है सर, बट मैं थोड़ा अच्छा वैसे आपको ध्यान नहीं है क्या? अच्छा सर, आप ये बताइए क्या कहना चाहते थे? यस यस सर, सर आई थिंक सेडिशन से रिलेटेड था सर कुछ, इतना ही। सेडिशन से रिलेटेड था? नहीं, एक दुकान में आकर के उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था, ऐसा मामला था। सॉरी सर, मैं वो दूसरा मिक्सअप हो गया। चलिए ठीक है, लॉ की बात करते हैं हम। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है और कहां पर रेलेवेंट है? मैम सेक्शन 154 एविडेंस एक्ट में हॉस्टाइल विटनेस बताया गया मैम, जो विटनेस सत्य बताने का इच्छुक ना हो और जो बयान दिए गए मैम प्रोसिक्यूशन के फेवर में मैम, उनसे बाद में वो डिफेंडेंट के फेवर में बयान देता हूँ मैम, वो हॉस्टाइल विटनेस होता है। ठीक है, परजुरी वर्ड आपको पता है क्या होता है? क्या कहीं पे आईपीसी में हम उसको पनिशेबल मान सकते हैं? परजुरी मैम सेक्शन 463 परजुरी के बारे में। परजुरी नहीं, परजुरी। क्लियरली ये समझ नहीं आया मैम, सॉरी मैम।
चले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपीसी में क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन के प्रोविजंस कहाँ पर है? आप सिविल लॉज में कोई सा भी सब्जेक्ट आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है? सच कोई पसंदीदा नहीं है मैम, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता सकता हूँ सबसे मैम। तो क्या क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे आप जुडिशरी में सारा काम कर लेंगे? नो मैम, मैम मैं ऑन एन एवरेज मैम कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है मैम सिविल में बस। चले ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए कि आपकी हॉबी क्या है? मैम सिंगिंग। फेवरेट सिंगर कौन है आपके? अरिजीत सिंह। आपका इंट्रो जो है ना, आपने आपने खुद ने क्या रियलाइज किया कि आपका इंट्रो कैसा हुआ बताइए आप, पहले तो आप खुद ही बताइए सर। आप अपने आप को ऑन एन एवरेज सर, एवरेज से भी सर बिलो एवरेज। देखिए जब बोर्ड आपको ये पूछ रहा है कि आप अपनी हॉबी बताइए, तो हॉबी ऐसी सोच समझ के बताइए कि आप इंटरव्यू बोर्ड को आप अपनी हॉबी की तरफ खींच के ले जावें। बोर्ड ने आपको पूछा इसीलिए था ताकि आप उसके बारे में बता सके, और उसके बारे में न बताएं तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है ना। दूसरा मैं आपके पहनावे के बारे में कहना चाहूंगा, पहनावे आपके इसके बारे में, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू है ताकि मॉक इंटरव्यू में जो गलतियां हैं उसे अपन रिमूव कर सके। एक तो आप जो दाढ़ी जो बढ़ी हुई है ना, ये पूरा क्लीन शेव करके जाना, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, एकदम क्लीन से, मतलब यू शुड बी लुक लाइक ए जुडिशियल ऑफिसर नॉट टू एनीबॉडी एल्स, है ना। एक तो आपका अपना ये जो इस प्रकार का अपने अच्छी तरह से सेवादी करके जानना, वो दैट विल बी बेटर फॉर यू। दूसरा, हमने आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है लेकिन आपकी हर चीज स्लीपिंग कॉर्नर में चली गई है और वो टाइमली बाहर नहीं निकल के आ रही है। उसके लिए वो तभी बाहर निकल के आएगी जब आप उसका वर्गीकरण करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। जैसे मैडम ने पूछा क्रॉस ऑब्जेक्शन और क्रॉस अपील में क्या फर्क है, तो आपको इनका माइन्यूट डिफरेंस आना चाहिए, तभी जाके बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। हमने आपसे बहुत ये प्रैक्टिकल, मैंने तो प्राय सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही पूछी मैंने आपसे कि 406 और 420 इसके अंदर क्या है, मतलब कोई कैसी कोई अपेरेंट गलती है, तो आपको बताना चाहिए था कि दोनों जो सेक्शन वो एक साथ लागू हो ही नहीं सकते। 406 और 420 एक साथ कभी प्रूव नहीं होंगे, आप गांठ बांध लो आप, या तो 420 प्रूव होगा या 406 प्रूव, दोनों में वाइड डिफरेंस है ना एकदम। दूसरा, हमने आपसे विक्टिम कंपनसेशन के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताया तो आपने कोई और जजमेंट बता दिए, जबकि अंकुश शिवाजी गायकवाड़ का केस है और सुरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हरियाणा का केस है, वो ही इसके ऊपर प्रॉपर केस है। बाकी हरेक में कंपनसेशन तो हरेक में अवार्ड करते हैं, लेकिन ये ऐसे है ओनली फॉर दी विक्टिम कंपनसेशन पर है, 2013 और 2014 के 15 के मुकदमे है, इनको आप थोड़ा सा दीजिए। दूसरा, हमने आपको लीगल करंट जीके के बारे में पूछा था, आपने कहा मिस्टर को धनखड़ धनखड़ है ऐसा कुछ आपने बताया था, जगदीप धनखड़ साहब है ऑनरेबल, अपने वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा, और एक मामले उदयपुर के कन्हैया लाल का बताया, वो भी बड़ा पूरे इंडिया के अंदर उसके अंदर बवाल मचा था। मैडम ने आपको अधिनियम और उसके बारे में पूछा तो आप अधिनियम और रूल्स के अंदर चक्कर खा गए, जबकि वो सारी वो कोड है जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, और इस प्रकार से ये अभी 11 अगस्त को ये तीनों कोड है वो उन्होंने लोकसभा में पेश किए हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको और वर्कआउट कर लीजिए, बाकी आपका ठीक है, आप घबराइए, घबराते नहीं है, स्माइलिंग फेस आंसर देते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, है ना। तो थोड़ा सा इस पर आप वर्कआउट करने की आवश्यकता है ना। आपका समय इंटरव्यू है वैसे आपका सर 17 अगस्त कम ही है, ठीक है, आप उसमें टाइम तैयार है, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जी, तो प्रिंस जी, एक तो आपको अपनी हॉबी वर्क करना है, या तो आप हॉबी अपनी चेंज कर लीजिए कि वहां आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे हंसना नहीं है कि आपसे गाना गाने का हो तो आप हंसने लग गए। दूसरी बात यह है, जब आपसे पूछा गया मेरठ का क्या फेमस है, आपने बोला कैची फेमस है, सेंसिबल आंसर देना है कि आपको तो हंसी नहीं आया कम से कम,
आप आंसर देके खुद ही हंसने लग गए। आप मेरठ के जैसे आपने मुझे बताया आप वैसे ही बोल सकते थे, मेरठ में स्पोर्ट इंडस्ट्री है, मेरठ में टेक्सटाइल जैसा आपने बताया वो बोल देते। ये इस टाइप के वर्ड्स आप बिल्कुल यूज नहीं करिए। और एक बार लीगल प्रोविजंस थोड़ा ब्रश अप करिए, बाकी सर आपको सब कुछ बता ही चुके हैं। मैं आपको कुछ और ऐड करना तो आप प्लीज। स्माइलिंग फेसेस सर ने, अशोक सर ने बिल्कुल आपको सही बोला, स्माइलिंग फेस आप डरते नहीं है पर आपको हंसना भी नहीं है किसी क्वेश्चन पर। ओके, बाकी आपका अच्छा था सब कुछ, और बस इंडेक्स बेस्ड आप एक बार देख लीजिए क्योंकि टाइम कम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम। ओके।